चाचा चौधरी और 999। हमारा ग्रुप 999 अपने ग्राहकों का खास ख्याल रखता है, क्योंकि हमारे ग्राहक आम पब्लिक नहीं बल्कि प्रतिष्ठित देशों के सरकारी हैं। ऐसी ही एक देश की सरकार ने भारत से चाचा चौधरी नामक आदमी का अपहरण करने का काम हमें सौंपा है। मैं उस देश का नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि अपने मुवक्किल की शिनाख्त गुप्त रखना हमारी पॉलिसी है। चीफ स्विच दबाता है, स्क्रीन पर चाचा चौधरी की तस्वीर प्रकट होती है। उस व्यक्ति की शक्ल देख लो और हिंदुस्तान के लिए रवाना हो जाओ। 999 के आदमी जहाज द्वारा जाते हैं। पता नहीं एक मामूली आदमी का अपहरण क्यों कराया जा रहा है, क्योंकि जब तक यह आदमी हिंदुस्तान में है वह तोड़ फोड़ करना संभव नहीं। देखो वही लाल पगड़ी वाला आदमी, उसे यही दबोचा जाए। वह अंदर गया है, आओ। क्यों भाई, तुमने किसी को अंदर आते देखा है? अजीब बेवकूफी भरा सवाल है, जब आदमी का शरीर साबुन से भरा हो तब क्या उसकी आंखें खुली रह सकती हैं? चलो उधर देखे, शावर से साबुन धो लिया जाए। वाह, नहाते ही ताजगी और चुस्ती आ गई। देखो वह गुसल खाने से निकल रहा है, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। नहाते वक्त मेरी पगड़ी गीली हो गई थी, इजाजत दो तो उसे खिड़की से बाहर सुखा लूं। ऐसा कर सकते हो। चलती कार की हवा में ये जल्दी सूख जाएगी। चाचा जी की पगड़ी, लगता है वह खतरे में है, मुझे कार के पीछे जाना चाहिए। हाँ, पगड़ी का छोर पकड़ने में मैं कामयाब हुआ। वो खिड़की से बाहर चला गया, ये उसकी चालाकी थी। जो कोई हमारे काम में बाधा डालता है उसे 999 खत्म कर देते हैं। सचिंदरो हटो। तीनों को गिरफ्तार कर लो। चतुर विदूषक महाराज गुस्से से लाल पीले हो गए। उनके विदूषक ने भरी सभा में उनका मजाक उड़ाया था। ले जाओ इसे और जान से मार दो। महाराज दुहाइयों, क्या सच ही? हाँ हाँ, किंतु तुमने समय समय पर हमारा मनोरंजन भी किया है। इसलिए तुम्हें कैसे मारा जाए ये मैं तुम पर छोड़ता हूँ। हाँ तो तुम कैसे मरना चाहोगे? बुढ़ापे से हुजूर। तुम हो होशियार, फिर मुझसे बाजी मार ले गए। और महाराज ने विदूषक को माफ कर दिया। कालिया कौवा, अगर तुम वहां चढ़ जाओ तो उस जाल के नीचे से गुजरने वाले किसी भी जानवर को आसानी से दबोच सकते हो। मैं पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। क्यों नहीं? यदि वो बुद्धू छिपकली चढ़ सकती है तो तुम क्यों नहीं? समझो कि तुम एक बड़ी छिपकली हो, चलो भी कोशिश करो तो सही। क्या बेवकूफी है। देखो तुमने आधा रास्ता पार भी कर लिया। तुम स्वभाव से ही चढ़ने में निपुण हो डुब डुब। तुम यही ठहरो, मैं बस अभी एक हिरन को इधर लाता हूँ। मुझे उसकी बातों में नहीं आना था, एक पंछी की तरह यहाँ टंग कर बैठना बड़ा अटपटा लग रहा है। और ये कालिया भी अटपटा। तुम यहाँ चढ़कर क्या कर रहे हो? बस यही। मगर बच्चों की आदत तो नहीं है या कहीं किसी जानवर पर हमला करने की ताक में तो नहीं हो? मैंने तो सपने में भी ये नहीं सोचा। किंतु उसके दोस्त को जरूर सुझा होगा, वरना वह शोलार को इधर क्यों लाता?
कुछ पता है डुब डुब, तुम जल्दी ही बड़े मशहूर होने वाले हो। क्या कहा तुमने? मशहूर मैं? हाँ बेशक मेरी काफी शोहरत तो है ही, लेकिन अब दुनिया भर में तुम्हारा नाम हो जाएगा, क्योंकि पेड़ पर चढ़ने वाले तुम पहले मगरमच्छ हो। सचमुच? जरा आगे बढ़ो, बस थोड़ा सा। जरूर। हाँ हाँ बढ़ते जाओ, देखे तुम डाल के छोर तक पहुँच पाते हो या नहीं, सब देख देख के देखते रह जाएंगे। वो बेवकूफ घड़ियाल क्या कर रहा है? मैंने जिस मीठी घास के बारे में तुम्हें बताया था वह आगे ही है, पास पास ही चलो सुनार। बस करीब आ पहुंचे डुब डुब। आ गए। ओ बेचारा डुब डुब, लेकिन सोनार को बचाने का कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था।